किस तरह के रिश्ते हैं आपके और इस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप अपने साथ? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिश्ता है। दिनेश जी के साथ तो मैं पहले बहुत सारा काम कर चुकी हूँ, लेकिन अम्रपाली जी के साथ मैंने निरहुआ चलन ससुराल टू में काम किया। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छी हैं। और म्यूजिक लॉन्च का मौका है, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? हाँ, म्यूजिक के बारे में कहना चाहूँगी कि धनंजय मिश्रा जी हैं, जैसे कि पहले भी इनकी बहुत सारी म्यूजिक हिट हुई है, ये भी हिट होगी। और निरहुआ, सटल, रहे, सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, दो फिल्मों का यहाँ पर एक मुहूर्त हो रहा है, एक म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के म्यूजिक के बारे में? सबसे पहले तो किस तरह का म्यूजिक होने वाला है? एक तो म्यूजिक ऑलरेडी बन के तैयार है, फिल्म बन के तैयार है, निरहुआ चलन ससुराल पार्ट टू, और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है हमारे ओम झा जी ने, बहुत अच्छे गाने बने हैं। अभी अब जब आप लोग सुनेंगे तो आपको खुद भी लगेगा, हमारे दर्शक उसको बहुत पसंद करने वाले हैं। और दूसरी जो फिल्म निरहुआ सटल रहे, उसका म्यूजिक आज शुरू हो रहा है, और उसको ओम झा के साथ में हमारे धनंजय मिश्रा जी दोनों लोग बना रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2003 में जो मैंने ये एल्बम गाया था और जिस एल्बम से मुझे नाम मिला, निरहुआ नाम पड़ा, उस पे जब आज फिल्म बनने जा रही है तो इसका म्यूजिक और बड़ा होगा, और अच्छा होगा, और बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आई थिंक गाने इसमें बहुत ही, पहले तो स्टोरी वाइज मुझे लगता है कि रोमांटिक गाने बहुत सारे होंगे, और थोड़ा हिप हॉप टाइप्स भी होंगे जहाँ तक मैं स्टोरी जानती हूँ। बट वन थिंग आई एम श्योर, जो जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो सब इतने टैलेंटेड हैं, इतने परफेक्ट हैं कि उन लोग जो भी बनाएंगे, जो भी जॉनर का, जो भी फ्लेवर का गाना बनाएंगे, वो सब बेस्ट होगा। ऐसा कोई गाना होगा जिसमें आप दोनों एक साथ थिरकते हुए दिखाई देंगे हमें? ऑब्वियस, हर गाने में हम दोनों एक साथ डांस करते हुए दिखेंगे। अच्छा, अगर किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा फिल्म में आपका? अम्रपाली जी, एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी कैरेक्टर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है मेरे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट रोल मैं इस फिल्म में करूंगी, सबसे डिफिकल्ट, बिकॉज मुझे वेरिएशन देना है थोड़ा अपने कैरेक्टर में, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आई होप कि मैं अच्छा करूं, आप लोगों का आशीर्वाद रहे। तो दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस फिल्म में अम्रपाली जी मेरी पत्नी की भूमिका में है, और जो एल्बम हम लोगों ने बनाया था 2003 में निरहुआ सटल रहे, जब आज फिल्म बन रही है तो ये फिल्म उस एल्बम के नाम को सार्थक करने जा रही है कि एक वाइफ अगर बीमार है तो उसका पति किस हद तक उसका साथ देता है, कहाँ तक उसके साथ रहता है, और उसको ठीक होने में किस तरह से, कितनी मुसीबतों को झेलते हुए भी वो उसको ठीक करने में मदद करता है। बड़ी रोचक कहानी है और बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आपने कहा कि आपका एल्बम जो है काफी यादगार रहा आपके लिए, तो वो एल्बम का अगर दो लाइनें अगर आप ऑडियंस के लिए गुनगुना दें। दुल्हे रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, दुल्हे रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, ये एल्बम का गाना था जी। बहुत बहुत अच्छा था। और दिनेश जी, इसके अलावा आप प्रियंका चोपड़ा जी की होम प्रोडक्शन की फिल्म कर रहे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म है और कब तक फ्लोर पर आने वाली है? बहुत अच्छी फिल्म बनी है, संतोष मिश्रा जी उसके डायरेक्टर हैं और प्रियंका चोपड़ा जी ने उसको बनाया है, निर्मात्री हैं वो उस फिल्म की, बम बम बोल रहा है काशी, बहुत बढ़िया फिल्म बनी है और बन के तैयार है, बस मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंदर ही वो रिलीज की जाएगी। अम्रपाली जी, हर फिल्म में आप दोनों की जोड़ी को काफी सराहा जाता है, तो इस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा एक साथ काम करने का? कौन सी फिल्म में? इस दोनों फिल्म में, ससुराल जो अच्छा निरहुआ चलन ससुराल में, तो हम भुज में शूटिंग कर रहे थे और आधा स्केड्यूल बड़ा ठंडी था, आधा स्केड्यूल बहुत गर्मी था, तो वो तो फिल्म कैसे शूट किया हम लोग ने हम ही जानते हैं। बट बम बम बोल रहा है काशी भी, ये दोनों फिल्म हम लोग ने आगे पीछे की थी, बड़े गंदे वेदर कंडीशंस में की थी, लेकिन जब साथ में रहते हैं हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं, टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। जाते जाते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, दोनों ही फिल्म के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे कि एक जो ये शुरुआत हुई है अभी फिल्मों की, और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है भोजपुरी सिनेमा के प्रति, मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग ऐसे ही बनाए रखें, और हमारा जो कर्तव्य है कि अच्छी फिल्में बनाएं, आप जब सिनेमा घर में आए तो आपको निराश न होना पड़े, तो ये कर्तव्य हम निभाएंगे,
और आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप भी जब फिल्म बन के तैयार होती है तो अपना आशीर्वाद देने के लिए आएं, अपना प्यार देने के लिए आएं, क्योंकि फिल्म बनाने का मतलब तभी निकलेगा जब आप उसको देखेंगे, सराहेंगे और जो भी कमी अच्छाइयां हैं उसको बताएंगे। अमरपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा, मैं कोई भी काम करती हूँ, हम कोई भी काम साथ में करते हैं, आप उसको बहुत प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, इतना ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है? सर, ये पिक्चर रोमांटिक है, एक्शन है, कॉमेडी है और भरपूर एंटरटेनमेंट है इस पिक्चर के अंदर। हम लोग कोशिश किए हैं बहुत अच्छी पिक्चर बनाने की, आगे पब्लिक और आप क्या होगा देखेंगे। इसके अलावा स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई फिल्म की, क्योंकि आजकल जो है दिनेश जी और उनकी जोड़ी को काफी सराहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? दिनेश जी, मैं जितनी भी भोजपुरी किया हूँ, मैं तकरीबन 4-5 भोजपुरी किया हूँ, तो जो भी पिक्चर किया हूँ दिनेश जी के साथ ही किया हूँ और उनके साथ ही काम करने का मजा भी लिया हूँ मैं। बेसिकली मैं तेलुगु मूवी किया हूँ और हम चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्म भी बहुत अच्छी बने, जिस तरह की तेलुगु ऑडियंस है इसी तरह की भोजपुरी ऑडियंस भी आनी चाहिए और भोजपुरी भी बहुत ऊपर आए, हमारी यही कोशिश है और हमेशा यही रहेगी। अच्छा, म्यूजिक की बात करें तो किस तरह का म्यूजिक होगा? म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा म्यूजिक बना है इस पिक्चर का। जब म्यूजिक आएगा, अभी लॉन्च किए हम लोग, जब आप आएगा तब देखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएगा, जैसे हम प्रीवियस फिल्मों में करके देखा है। जैसे निर्भर चलो ससुराल का म्यूजिक हमने किया है, फिल्म में एक गाने बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये तो आप मान के चलिए, हमने अपनी पूरी जान लगा दी है, रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। अगर दो लाइनें अगर गुनगुना दे आपका कोई फेवरेट, अभी जैसे अभी मैं ससुराल का सुनाता हूँ, इसका तो नहीं सुना पाऊंगा, निर्भर चलो ससुराल का सुना सकता हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग बहुत है, एक फीमेल सॉन्ग है, ए सैया चांद बन के जिंदगी में हमरा, सैया चांद बन के जिंदगी में हमरा, कदा जो रन हो नैना करतन हो, रन हो हमके ले लतन को, रन हो। दैट इज द बेस्ट सॉन्ग, मेरे फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। एज अ प्रोड्यूसर फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? किस तरह की फिल्म हो रही है, जिस तरह से आपने टाइटल लिखा निरहुआ सटल है, ये दिनेश जी का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट एल्बम है और बड़ी अच्छी बात है कि ये टाइटल है, फन फिल्म है। जैसे कि नासिर भाई ने पिछली दो फिल्में बनाई थी, फैमिली फिल्म थी जांबा जिगर वाला और दूसरी निरहुआ चलो ससुराल पार्ट टू, मैं दोनों का हिस्सा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे दोनों फिल्में बनी वैसे ही बिना डबल मीनिंग के एक अच्छी फिल्म भोजपुरी दर्शकों को जाए, जो कि दिनेश जी का है। पिछली फिल्म का म्यूजिक भी ओम जी ने दिया था, बहुत बढ़िया म्यूजिक था, उसमें एक गाना था जो कि मैं उसमें अमरपाली जी का भाई बना था, तो मेरी बहना रे करके गाना था, बहुत टचिंग था और मुझे उम्मीद है कि ओम जी इस बार भी निराश नहीं करेंगे। थैंक यू।